नमस्कार फ्रेंड, मैं डॉक्टर असलम, पीएचडी इन वास्तुशास्त्र, कोलंबो यूनिवर्सिटी। और मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ। छोटी सी टिप्स आप लोगों के जीवन को पूरा बदल सकती है। मेरी एक छोटी सी टिप जो है, जो कोई वास्तु वाला बताता नहीं है, वो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे बताता जाऊँगा। आप लोगों को क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकॉन दबाते जाइए, तो आप लोगों को मेरी हर दिन कुछ ना कुछ नई वीडियो वास्तु से रिलेटेड मिलती जाएगी, जो आपको घर बैठे हुए असलम भाई का दर्शन होता रहेगा। तो हम शुरू करते हैं आज साउथ वेस्ट की एंट्री। साउथ वेस्ट की जो एंट्री है, लोग डरा देते हैं कि साउथ वेस्ट की एंट्री है तो ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आठों दिशाओं की एंट्री अच्छी है। आठ दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, आठों दिशाओं। आज जरूरी नहीं कि हम बंगलो बना रहे हैं या हर आदमी को जो है सुविधा नहीं होती कि वो वास्तु के हिसाब से, वास्तु के डायरेक्शन से अपने घर की एंट्री लेवे। तो आज हम बिल्डर से फ्लैट लेते हैं, वास्तु वालों को जाके दिखाते हैं, वास्तु वाला बोलता है भाई नॉर्थ ईस्ट की एंट्री नहीं है, इसको मत लो। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, जो भी एंट्री है बेफिक्र होके लो। साउथ वेस्ट में ध्यान आपको ये रखना है कि साउथ वेस्ट कटा नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट कट करके अगर एंट्री है तो आप मत लीजिए। साउथ वेस्ट में जो है एंट्री है, उसके बाद हॉल है, आप ले लीजिए, वो छोटी से रेमेडीज से उसका दोष चला जाएगा। साउथ वेस्ट कट, उसके बाद एंट्री मत लीजिए। साउथ वेस्ट डक, बिल्कुल मत लीजिए ऐसा फ्लैट। साउथ वेस्ट सेप्टिक टैंक, बिल्कुल ऐसा बंगलो या जमीन प्लॉट मत लीजिए। साउथ वेस्ट बोरवेल, साउथ वेस्ट में झरना, साउथ वेस्ट में कुआं, ऐसे फ्लैट से दूर हटना चाहिए, नहीं तो इसका इफेक्ट जो है हमारे मास्टर पे, घर का जो मुखिया है उसको खा जाता है। लेकिन साउथ वेस्ट की अगर एंट्री है तो हम 50-50 किलो की अगर दो पिरामिड दरवाजे के साइड में रख देते हैं, उससे साउथ वेस्ट का दोष दूर हो जाता है। धन्यवाद, मस्त रहो, व्यस्त रहो।